हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्स दिव्यस पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। जो लोग पहले से देख रहे हैं क्लासेस उन्हें पता है। तो आज हम जो कोशिकांग पढ़ने वाले हैं वो है रजधानी यानी कि वैक्यूल्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस पेपर देखा करो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनते और कहाँ से नहीं बनते, कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रजधानी कहते हैं। ठीक है, तो ये है कोशिका और यहाँ पे ये होता है केंद्रक। और ये वैक्यूल्स की बात करूँ, एग्जैक्ट जगह ये नहीं बताई मैंने, मतलब चलो ठीक है मैं फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो ये है कोशिका, ये है पूरा कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये है केंद्रक, करीब यहाँ पे वैक्यूल्स होती है। क्लियर है, तो क्या है, झिल्ली से घिरी है इसलिए तो हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसमें भी रस भरा रहता है इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं रसधानी। धानी का मतलब होता है आवरण और रस का मतलब होता है लिक्विड। तो जिसमें रस भरा होता है ऐसी धानी को हम लोग रसधानी कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या हो सकता है तो ये याद रखना है। क्वेश्चन आते हैं तो रसधानी में आपको देखने को मिलेगा पानी, देखने को मिलेगा कुछ रस, देखने को मिलेंगे यानी कि लिक्विड, और यहाँ पे उत्सर्जित पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे, उत्सर्जित पदार्थ। क्लियर है, तो ये याद रखना, पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद, उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी इसमें मिलते हैं। क्लियर है, तो बस ये मेन चीज आपको याद रखना है कि पानी, रस और उत्सर्जित पदार्थ इसमें देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी उपयोगी और अनुपयोगी भी पदार्थ मिलते हैं जो जिसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद रजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है तो ये याद रखना, जो इसकी झिल्ली है किसकी, यहाँ पर रिक्तिका की। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्लियर है, ये बड़ा गंदा सा लिखा गया पर समझ जाना। क्लियर है, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेर लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। देखो प्लांट सेल में कुछ ये इस टाइप से सेल होंगी, और ये केंद्रक। ठीक है, ये होगा केंद्रक, और यहां पे और भी कोशिकांग होंगे, और ये होगा पूरा कोशिका द्रव्य, और ये पूरी की पूरी क्या होंगी, ये होंगी रिक्तिका। क्लियर है, ये क्या होंगी, रिक्तिका या वैक्यूल्स या रजधानी। कितने परसेंट स्थान घेर लेंगी ये, 90%। किसमें, याद रखना पादप कोशिका में, पादप कोशिका में 90% स्थान ये घेर लेती है, ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रण प्रवणता के विपरीत, सांद्रण प्रवणता के विपरीत टफेनोप्लास्ट। देखो टफेनोप्लास्ट लिखा है तो मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा अवेयर रहा करो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी माता ने जो लिख दिया आपने वही पढ़ लिया, तो ये टफेनोप्लास्ट नहीं है। अभी बताया क्या है, ये टोनोप्लास्ट है। तो टोनोप्लास्ट से होकर रजधानी में अभिगमित होते हैं यानी कि गति करते हैं, इस कारण से इसकी सांद्रता रजधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। इसका मतलब क्या है, देखो पौधों में अब बहुत से आयन एक दूसरे आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रण प्रवणता के विपरीत, यानी कि सांद्रण प्रवणता के विपरीत का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चीज़ें कम रहेंगी, सॉरी यहाँ पे अधिक रहेंगी, ये कोशिका द्रव्य है, और अधिक से किधर जा रही है, कम की ओर, यानी यहाँ पे द्रव्य कम है तो ये विपरीत जाएंगी। क्लियर है, कहाँ जाएंगी, विपरीत जाएंगी, ये याद रखना। तो ये याद रखना, विपरीत जाती है तो एनर्जी भी लगती है, सांद्रण प्रवणता के विपरीत जाएंगी किधर, टोनोप्लास्ट की तरफ। ये क्या है, टोनोप्लास्ट है, तो टोनोप्लास्ट की तरफ जाएंगी, होकर रजधानी में अभिगमित करते हैं, इस कारण से इनकी सांद्रता रजधानी में
कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है, यानी इससे क्या होता है, यहाँ पे रस ज्यादा हो जाता है कोशिका द्रव्य में की अपेक्षा, यानी रसधानी में ज्यादा होता है और कोशिका द्रव्य में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है। देखो क्या, तो यहां पे आपको ये याद रखना है, अमीबा में, ठीक है, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका आपको देखने को मिलेंगी जिसका काम क्या है, उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन के लिए ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्यजीव में खाद्य राजधानी देखने को मिलती है, का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। यह आद्यजीव में आपका आ जाता है प्रोटिस्टा। क्लियर है? तो ये प्रोटिस्टा में आपको याद रखना है, खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए राजधानी देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो ये याद रखना। और यहां पे अमीबा में कैसी देखने को मिलेंगी, संकुचनशील रिक्तिका। क्लियर है यहां तक के? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो यहां पे रिक्तिका के बारे में तो आपको इतना ही याद रखना है। फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।